नमस्कारम। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है और हिकारू नाकामुरा जो कि सबको पता है कि रैपिड और ब्लिट्स में वो बहुत ही स्ट्रांग खेलते हैं। उन दोनों के बीच जो टाई ब्रेक हुआ था वर्ल्ड ब्लिट्स में रशिया में, उनके बीच फर्स्ट राउंड जो था वो ड्रॉ हो चुका था ऑलरेडी। उस कंडीशन में वाइट थे नाकामुरा के और लास्ट में रुक एंडिंग थी पर वो आराम से ड्रॉ हो गई थी। और सेकेंड गेम जो हुआ वो अभी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट गेम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था तो आप वो भी देख सकते हैं। सेकेंड जो राउंड हुआ उसमें वाइट थे मैग्नस कार्लसन के, और क्या हुआ गेम में हम लोग उसको देखने के लिए क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। गेम जो स्टार्ट हुआ वो d4, नाइट एफ सिक्स, नाइट एफ थ्री, d5, बिशप f4। देखा जाए तो पिछले 6 महीने में, 1 साल में जितने भी गेम्स हुए हैं मोस्टली मैग्नस कार्लसन ने, खासकर रैपिड और ब्लिट्स में। तो जो लंडन सिस्टम है जिसको कि बिशप f4 जो है, ये जो सिस्टम है इसको लंडन सिस्टम के नाम से जानते हैं सभी, वही उनका मेन वेपन रहा है वाइट की तरफ से। c5 खेला है यहाँ पे, e3, e6, नाइट टू d2, नाइट bd2 और bd6 खेला है। इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली नाइट c6 पहले खेला हुआ रहता है, लेकिन ये एक सिस्टम अभी बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में कि लंडन सिस्टम के अगेंस्ट अगर आपको खेलना है तो, क्योंकि bd6 के बाद आप नाइट c6 जब जो डिले कर रहे हो उसमें एक सिस्टम हो सकता है कि अगर आप इसमें बिशप g3 खेलते हो, जो कि नॉर्मली लंडन सिस्टम के मेन लाइन में जब नाइट c6 आया हुआ रहता है तो bg3 पे ही खेलते हैं, लेकिन इस वक्त ये चलेगा नहीं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि क्वीन c7 आ रहा है। और अगर आप सपोज यहाँ पे bd3 या c3 खेलते हैं तो नाइट bd7 आ रहा है, जिसमें नाइट bd7 के बाद e5 जो है वो मेन ब्रेक आ सकता है। तो ये एक सिस्टम भी आप खेल सकते हो ब्लैक की तरफ से। सो इसीलिए बिशप g3 का कोई पॉइंट नहीं बनता था bd6 के बाद, और बिशप इंटू d6 मारा है यहाँ पे। बिशप g3 भी कुछ लोगों ने खेला है डेफिनेटली, पर मेरे हिसाब से बिशप इंटू d6 भी सही है। सो क्वीन इंटू d6 मारा यहाँ पे, डी कट c5, क्वीन कट c5, c4। ये देखा जाए तो एक नॉवेल्टी था इस गेम में। हालांकि इसके पहले कुछ गेम्स हुए हैं जिसमें लोगों ने यहाँ पे कैसल किया है, कैसल के बाद c into d5, e into d5, और अभी आप देख सकते हैं कि IQP के अगेंस्ट आप खेल सकते हो इसमें, जिसमें नाइट b3, नाइट d4 या फिर बिशप e2 आके शॉर्ट कैसल आ सकता है। तो ये एक बहुत ईजी सिस्टम था खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे डी कट c4 मारा, बिशप इंटू c4, शॉर्ट कैसल, रुक c1, और रुक c1 को आप देख सकते हैं अभी बिशप इंटू e6 मेजर थ्रेट है। सो क्वीन e7 हटाना बहुत जरूरी है, और क्वीन e7 के बाद यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया b6 में। आप देख सकते हैं बिशप b7 आ रहा है, और कुछ कंडीशंस में आप बिशप a6 करके इस बिशप को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो क्वीन e2 खेला, बिशप b7, नाइट सॉरी रुक टू d1 और नाइट bd7 खेला। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिशप बहुत पावरफुल लग रहा है इस डायगोनल पे। तो व्हाइट ने सिंपली यहाँ पे बिशप a6 खेल दिया, वही क्वीन e2 का मेन आइडिया था कि आप बिशप a6 करके उसको एक्सचेंज कर दो। अगर आप इसको बिशप इंटू a6 मारते हो तो क्वीन इंटू a6 के बाद ये प्लेस बहुत अच्छी है क्वीन के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं c8 को कंट्रोल कर रहा है क्वीन, यानी आप रुक c8 नहीं आ सकते हो ब्लैक से, और a7 को भी टारगेट है हमेशा। सो ये एक प्रॉब्लम थी हमेशा, इसीलिए बिशप a6 को क्वीन इंटू a6 मार के वो पोजिशन अच्छी रहती थी वाइट के लिए हमेशा। सो ब्लैक ने नाइट c5 खेला और डायरेक्टली बिशप इंटू a6 नहीं मारा, बिशप इंटू b7, क्वीन b7, a6 को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। Ne5 के बाद आप देख सकते हैं कि Nc6 आने के बाद ये पोजीशन, अगर आप b4 खेल के भी Nc6 खेलते हो तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस रहेगा इस नाइट के लिए। तो यहाँ पे नाइट cd7 खेला, क्वीन f3, क्वीन एक्सचेंज भी कर सकते हो आप पावर पर, वो एंडिंग डेफिनेटली ब्लैक को सॉरी वाइट को स्लाइड बेटर रहनी चाहिए। तो क्वीन a6 खेला यहाँ पे, क्वीन a6 को नाइट c6 खेला। अभी आप डायरेक्टली तो आप रुक d8 आ नहीं सकते, और अगर आप रुक c8 या और कहीं लेते हो तो Ne7 चेक में प्रॉब्लम आ सकती है उसको, इसीलिए c6 नाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जब मैं वीडियो देख रहा था तो क्रामनिक लास्ट राउंड के लिए आए थे एनालिसिस करने पीटर लेको के साथ, उनकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे क्वीन इंटू a2 मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप और कुछ पैसिव मूव्स दोगे तो डेफिनेटली ये पोजीशन लॉस्ट आ जाएंगी। सो लेकिन गेम में नाइट c6 के बाद नाकामुरा ने किंग h8 खेला, और ऑलरेडी खुश नहीं थे अपनी पोजीशन से जब हम वीडियो देख रहे थे तो और टाइम में भी थोड़ा कम हो गए थे, तो मैग्नस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे इस पोजीशन में। किंग h8 के बाद नाइट c4 खेला, डेफिनेटली जो आइडिया है वो नाइट d6 है, और एक बार अगर c6 d6 दोनों बैठ गए तो आप देख सकते हैं रुक के लिए कोई प्लेस नहीं है, और f7 पे भी थ्रेट है। सो यहाँ पर इस वक्त आकर क्वीन इंटू a2 मारा एक मूव बाद, क्वीन a2 को यहाँ पे g4 खेल दिया मैग्नस ने सिंपली,
क्योंकि अब देख सकते हैं ठीक है एक पॉन डाउन है व्हाइट, लेकिन व्हाइट के पीसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये दोनों नाइट आप देख सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। नॉर्मली चेस में एक एक लाइन है कि बोलते हैं कि नाइट्स आर वर्स्ट व्हेन दे सपोर्ट ईच अदर। सो हमको हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब बहुत सॉलिड है, पर वो अपने बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है फिलहाल। तो क्योंकि आप g5 खेलोगे तो इसको प्रॉब्लम है, इस नाइट को हटाओगे तो g5 के बाद इस नाइट को प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात नहीं लग रही है ब्लैक के लिए, और पीसेस का कोऑर्डिनेशन भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो नाइट c5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, नाइट d6, दोनों नाइट बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं यहाँ पे, और ये एक डिसाइडिंग गेम था। उस हिसाब से साइकोलॉजिकली भी ये बहुत प्रेशर वाला गेम था, क्योंकि इस एक गेम के ऊपर पूरे जो लास्ट 21 राउंड्स और टाई ब्रेक का फर्स्ट राउंड 22 राउंड्स हुए थे, इस एक गेम के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट था। तो नाइट b3 खेला यहाँ पे, c1 पे थ्रेट है, तो यहाँ पर रुक c2 खेला, रुक c4 भी आ सकते थे वहाँ पे, रुक c2 में लेकिन b2 को सपोर्ट है तो वो बहुत ईजी मुँह लग रही है। क्वीन a4 खेला यहाँ पे, अभी रुक c4 आ गए और उन्होंने सिंपली कट ऑफ कर दिया। क्वीन को आप किसी भी हालत में शिफ्ट नहीं करने दे सकते हो इधर। रुक c4 की जगह आप डेफिनेटली g5 नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसमें देखा जाए तो क्वीन g4 चेक ही आ रहा है, तो उसमें क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा और वो पोजीशन शायद ब्लैक फिर भी खेल ले। लेकिन यहाँ पे रुक c4 खेला और रुक c4 के बाद क्वीन a6 वापस खेलना पड़ा। अभी आप देख सकते हैं क्वीन एक्चुअली इस साइड में शिफ्ट कर ही नहीं सकता है, तो बचाना बहुत मुश्किल है। g5 खेला यहाँ पे, नाइट d7 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुक h4 खेल दिया व्हाइट ने बहुत ही क्विकली। अब यहाँ पे रुक h4 के बाद आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में बहुत कम चांसेस हैं, और आफ्टर नाइट bc5 इन नाइट्स को इतना अच्छे से हैंडल करना और विदाउट दिस नेचुरल डिफेंडर, मतलब f6 पे जब नाइट नहीं होता है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि नेचुरल डिफेंडर के नहीं होने से इधर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ये नाइट दोनों बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहे हैं d6 और c6 पे, और इसके नाइट जो है ब्लैक के नाइट जो है d7 और c5 पे या क्वीन a6 पे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इस साइड में डिफेंड करने को। सो यहाँ पे देखा जाए अगर तो बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट था, जो कि क्विकली नोटिस कर लिया था एनालिसिस बॉक्स में भी पेटलिको और क्रामनिक ने, कि यहाँ पे वैसे आप वेट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्ट्रेट फिनिश होनी चाहिए इस गेम की, क्योंकि ये बहुत अच्छा पोजीशन लग रहा है सॉल्व करने के लिए। गेम में उन्होंने नाइट f7 मारा था यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली इस पोजीशन में नाइट dc5 के बाद रुक इनटू h7 बहुत इजी फिनिश था, जो कि मिस किया था मैग्नस ने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें तो किंग इनटू h7 के बाद क्वीन h5 चेक, किंग g8 और नाइट e7 एक बहुत शानदार मेट हो सकती थी इस गेम में, और लास्ट राउंड अगर आप ऐसे जीतते हैं तो आपको आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथ था एक्चुअली मैग्नस का इस टूर्नामेंट में। लेकिन नाइट इंटू f7 भी विनिंग होना चाहिए यहाँ पे, रुक इंटू f7 मारा, क्वीन इंटू f7, क्वीन e2, d1 मर रहा है तो रुक d7 खेला, g7 पे मेट लगी हुई है अभी, तो नाइट इंटू d7 मारा जिसमें क्वीन इंटू d7, और अभी आप क्लियर पीसअप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पोजीशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं e6 मर रहा है, नाइट e7 नाइट g6 जैसे थ्रेट्स हैं, और किंग g8 को क्वीन e6 मेट हो रही है। फिर भी यहाँ पे रुक f8 खेला नाकामुरा ने, और बहुत कम टाइम था उनके पास, 3 या 5 सेकंड ही थे, क्योंकि मैग्नस के बाद बहुत अच्छा खासा टाइम था। यहाँ पर f2 पे थ्रेट है तो उन्होंने सिंपल मैग्नस से यहाँ पे रुक f4 खेला, और अभी इस पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि कुछ चांस बचा है या कोई भी रिसोर्स है ब्लैक के पास, और क्लियर पीसअप है वाइट, तो यहाँ पर आकर रिजाइन कर दिया मूव नंबर 30 पे ब्लैक ने। और इसी के साथ जो मैग्नस कार्लसन है वो तीनों ही फॉर्मेट में, क्लासिकल में, रैपिड में और ब्लिट्स में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो जो तीन प्लेयर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, मैग्नस कार्लसन, उनके राइट में खड़े हैं हिकारू नाकामुरा और लेफ्ट में व्लादिमीर क्रामनिक, और टॉप 20 जो आए थे उनकी लिस्ट भी मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने चेस खेली ये जो रैपिड और ब्लिट सेक्शन का जो टूर्नामेंट हुआ, और बाकी टाइम अगर हम बात करें तो मैग्नस कार्लसन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे पूरे टूर्नामेंट में। कुछ एक दो गेम में उनके मिस्टेक हुए, लेकिन डेफिनेटली ओवरऑल उनका जो रिजल्ट था बहुत ही स्ट्रांग था, और ऐसी ही उम्मीद नॉर्मली जब हम मैग्नस कार्लसन का नाम लेते हैं तो सभी लोग यही उम्मीद करते हैं। और
इस टूर्नामेंट में एक अच्छा रिजल्ट रहा इंडिया के लिए कि रैपिड सेक्शन में हम्पी ने जीत लिया था। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो हम्पी का जो एक गेम था टाई ब्रेक का आर्मागेडन का, उसके वो गेम दिखाया था। उसमें हमने नाकामुरा के और मैग्नस कार्लसन के टाई ब्रेक के दोनों गेम हमने देख लिए हैं। क्रामनिक का अली रेजा वाला गेम मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा क्योंकि वो एक मेरा बहुत फेवरेट गेम था इस टूर्नामेंट का। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।